घर एक ऐसा मराठी ड्रामा है जो मंदिर की एक पुजारी दंपत्ति को राजकरण के चलते मंदिर जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिर से बेघर करता है। बाद में उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, ऐसा समाज प्रबोधन देवघर इस मराठी ड्रामा में शहर के दिग्दर्शक संजय भाकरे इन्होंने समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। इस देवघर ड्रामा की रिहर्सल नागपुर में शुरू है। हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने देवघर के तमाम कलाकारों से बातचीत की है, आइए देखते हैं। शंकर और पद्मा यह एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति है। शंकर एक पुजारी है और मंदिर में जो भी अनाज और दक्षिणा स्वरूप पैसा आता उसी पर उनका पोषण होता है। ब्राह्मण की पत्नी कर्मठ होने के कारण छुआछूत का पालन करना ही उसका व्यवहार है। घर में लकड़ियां फोड़ने आने वाले देवा नामक लड़के पर यह दंपत्ति प्यार करते और देवा के मन में भी उनके प्रति आदर भाव है। गाँव में चुनाव के वक्त नाना नामक व्यक्ति मंदिर का जीर्णोद्धार करना है यह बताकर मंदिर के साथ ब्राह्मण की झोपड़ी की जगह तक छीनकर उन्हें बेघर कर देता है। इस बुरे वक्त में उन्हें देवा अपनी गरीब बस्ती में जगह देकर पनाह देता है और गरीब ब्राह्मण का बिखरा हुआ देवघर बांध कर देता है। कधी सुख नाही, अंगावर घालायला धड कपडे नाही, पण जगत होतो रे तुझ्या आशेवर। पद्मा, अगं अगं यातून होईल चांगलं हे बघ, काढू कुठेतरी थोडे दिवस। हे बघ एकदा हे देऊ झालं ना की मग बघ मग लोक यायला लागतील। अगं मग पूजा अर्चा मग अभिषेक वर्गणी, अगं मग पैसाच पैसा असेल आपल्या जवळ। हो अशा वाईट असते हो, व्हायचं असतं चांगलं ना तर केव्हाच घडलं असतं। अभिषेक की टीम एक ऐसे ड्रामा के स्टूडियो में आई हुई है जहां पे देव घर यह ड्रामा बनने जा रहा है। इस ड्रामा के तमाम कलाकार और डायरेक्टर निर्माता सभी यहां पर मौजूद हैं। हम सीधा रुख करने जाएंगे संजय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय भाकरे जी हमारे साथ में, उनसे हम जानना चाहेंगे। संजय जी, जिस प्रकार से ये जो ड्रामा बनने जा रहा है काफी भावनिक ड्रामा है जिसका नाम देवघर है, क्या कहना चाहूंगे, क्या जानकारी दे रहे हो? मैं मराठी संघ देवघर ही अशी कथा है कि एक देवळातला पुजारी त्याची बायको आणि या दोघांचा उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणजे देवळामध्ये येणारी दक्षिणा आणि धान्य। कालांतरानंतर त्यांच्याकडे एक दलित पोरगा त्यांच्याकडे काम करत होतो, त्यांना आई वडिलांच्या रूपामध्ये बघत असतो, तो लाकड फोड्या असतो। परंतु राजनीती आणि समाज या दोन गोष्टींमध्ये लोकांना विकासाच्या दृष्टीने काम करताना हे देवळ पूर्ण पाडण्यात येते, घरी पाडण्यात येते आणि मग या पुजाऱ्यांनी राहायचं कुठे असा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा हा देव्या त्यांना आपल्या आई वडील म्हणून सवळ करतो, असं हे थोडक्यात कथानक आहे। धनंजय सरदेशपांडे म्हणून त्यांनी हे नाटक लिहिलेलं आहे, मी संजय भाकरे त्याचं दिग्दर्शन केलेलं आहे आणि हा प्रयोग आम्ही या लोकांना समर्पित करतोय की जे लोक या करोनाच्या दरम्यान ज्यांचं निधन झालेलं आहे, मग ते आदरणीय ज्येष्ठ लेखक जरा फणसाळकर आहे, जयंत पासपोर, रमेश आंबईकर, तर निरंजन कोकर्णेकर, संजय वानकर, असे अनेक एक 8-10 लोक जे या कोरोनामध्ये गेले पण दुर्दैवाने आम्ही त्यांच्या अंत्यसंस्काराला सुद्धा जाऊ शकलो नाही आणि त्यांच्या श्रद्धांजलीचा सुद्धा कार्यक्रम करू शकलो नाही। आणि म्हणून नागपूरकरांच्या वतीने म्हणा किंवा संजय भाकरे फाउंडेशनच्या वतीने म्हणा, ही भावनिक कारण ज्यांच्या समोर आम्ही लहानाचे मोठे झालेलो आहोत आणि म्हणून हे नाटक मी त्यांना समर्पित करणार आहे, म्हणून हा एक छोटासा कार्यक्रम त्यांच्या मी करतो। बिल्कुल, कोरोना का कार्यकाल की यदि बात किया जाए तो बड़ा ही भीषण ऐसा कार्यकाल था। कई लोगों की मौतें हो चुकी थी, कई लोगों को डेड बॉडी नहीं मिलती थी, लोगों को खाने पीने के लाने गिर गए थे। ऐसे समय में समाज के लोग पूरी तरह से एक आए और ऐसे
जो प्रभावित हुए लोगों को काफ़ी मदद की, और ये ड्रामा देवघर एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा काम, और इसी के माध्यम से समाज में किस प्रकार से लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, यही एक उदाहरण इस ड्रामा के अंदर में देखा जा सकता है। इस ड्रामा का एक किरदार निभाने वाले, देवा नाम की भूमिका निभाने वाले एक नौजवान साथी मेरे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। सर आप बताइए कि जब देवा ये कैरेक्टर जब आपको मिला तो कितनी खुशी महसूस हो रही थी और कितनी तैयारी आपने की है? खुशी तो बहुत हुई देवा नाम का जो कैरेक्टर मुझे मिला है, और कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, और कैरेक्टर का ऐसा रोल है कि जो स्टोरी है उसमें ये जो कपल होते हैं ये उसे बाहर निकालते हैं, उसे घर में आने नहीं देते।